By using this video as a medium, I'm Abrar Khan and want to share some important words with you. So, मैं ये क्लियर करना चाह रहा हूँ कि आपके अतराफ़ में जितनी सारी चीज़ें हैं, जितने सारे मटेरियल्स हैं, वो सब आपको कुछ ना कुछ मैसेज देते हैं. तो ये बताना ज़रूरी है कि इंजीनियरिंग एक बस थियरी नहीं है. आपके अतराफ़ में जितनी प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, वो सब आपको कुछ ना कुछ बताती है, जो कि टेक्निकली आपको समझना है. तो मेनली सिविल इंजीनियरिंग में तो बहुत सारी चीज़ें प्रैक्टिकल है, तो इसी तरह मैं आपको वही प्रैक्टिकल चीज़ें बस अपने थियरी से कनेक्ट कर बताऊँगा एक प्रैक्टिकल इंजीनियरिंग की तरह. So hope you will enjoy all my videos. So subscribe to Civilian Ways and don't forget to press the bell icon. Welcome to Civilian Ways, guys. By this video, I'm going to start the series of steel structure subject. So in this video, you are going to learn about introduction to steel. So mainly, सबसे पहले हमें ये question आना चाहिए कि steel होता क्या है. ठीक है, तो स्टील जो है हमें अर्थ से डायरेक्टली नहीं मिलता, बल्कि कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जो ओर में हमें मिलते हैं अलग अलग तरह के, और जिसे हम कॉम्बिनेशन करके स्टील बनाते हैं. तो बेसिकली जो सबसे पहला कंपोजिशन होता है और जो कि स्टील का मेजर कंपोनेंट है, वो है आयन. आयन कितना होता है कंपोजिशन स्टील में? ग्रेटर देन 98%. ओके, एज़ पर कंटेंट और एज़ पर वेट आई एम सेइंग. और नेक्स्ट चीज़ जो स्टील बनाने के लिए लगती है, वो है कार्बन. तो कार्बन का कंटेंट कितना होता है? बहुत ही कम होता है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. इसका कंटेंट होता है 0.1 to 1.1% बाई वेट होता है ये भी. ठीक है, और जो अदर एलिमेंट्स है, ये जो है स्पेशलाइजेशन कैटेगरी के लिए यूज़ होते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, आप कोई लाइक गैल्वनाइज्ड एंड बनाना चाह रहे, या फिर आप स्टेनलेस स्टील बनाना चाह रहे, तो ये सब के लिए अलग अलग होते हैं एलिमेंट्स. जैसा कि हम इसमें ऐड करते हैं सल्फ़र, ये जो परसेंट होता है अनदर एलिमेंट, सल्फ़र हो सकता है ये, या फिर फॉस्फरस भी हो सकता है, मैंगनी, सिलिकॉन, इस तरह के ये चीज़ें होती हैं जो स्टील की कैटेगरी में स्पेशलाइज्ड कैटेगरी बनती है. सो फॉर एग्ज़ाम्पल, आप स्टेनलेस स्टील के बारे में तो बहुत सुने होंगे. स्टेनलेस स्टील ये जो होता है, इसमें ना आयन होता और कार्बन होता, और जो अदर मटेरियल होता, मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा. इसमें ये दो मटेरियल के साथ और एक जो मटेरियल यूज़ होता है, क्रोमियम. तो इसमें आयन की क्वांटिटी थोड़ी कम होती है, लेकिन क्रोमियम की जो क्वांटिटी होती है नियरली 10.5% होती है. तो इससे हमें स्टेनलेस स्टील मिलता है. फॉर एग्जांपल, स्टेनलेस स्टील का डेफिनेशन क्या है कि जिस पर ना कोई स्टेन्स नहीं आते, कोई कोरोजन उस पर लग नहीं सकता, उसे हम स्टेनलेस स्टील बोलते हैं. ये वाला जो है ना स्टेपलर, ही स्टेनलेस स्टील का, इस पर कोरोजन नहीं आएगा. और जैसा कि हमारे नेल कटर्स भी होते हैं, ये भी स्टेनलेस स्टील के होते हैं, और जो वॉच के बैक साइड्स होते हैं, ये भी स्टेनलेस स्टील के होते हैं. इससे कोरोजन नहीं आएगा. तो वो कोरोजन क्यों नहीं आएगा? ये जो क्रोमियम है, रेसिस्टेंस टू कोरोजन के टाइप काम करेगा. तो ये स्टेनलेस स्टील हो गया. और एक जो है GI है, गैल्वनाइज्ड एन बी से बोलते, ये भी एक स्टील की कैटेगरी में से आता, और इसमें ना आयन होता और कार्बन होता, और इसके साथ साथ इसमें होता है जिंक कोटिंग होती है इसमें. तो ये आप देख सकते हैं गैल्वनाइज्ड एन, ये जो पाइप्स पुराने टाइप यूज़ करते थे बिल्डिंग्स में वाटर सप्लाई के लिए, ये गैल्वनाइज्ड एन पाइप्स रहते, GI पाइप इसे बोलते हैं. इसमें आयन होता और कार्बन होता, और इसमें जिंक कोटिंग होती है बस. ये जब मटेरियल बन जाता है आयन और कार्बन के साथ, तो ये जिंक में डिप कर दिया जाता, उसके बाद ये कोटिंग आ जाती, जिस वजह से इस पर कोरोजन नहीं आता, एक अच्छी खासी लाइफ तक कोरोजन नहीं आता इसमें, जो कि वाटर सप्लाई के लिए ओल्ड बिल्डिंग्स में हम लोग यूज़ करते थे, लेकिन अब ये रिप्लेस हो गया PVC के साथ. सो स्टील का डेफिनेशन इतना हो गया, और स्टील के टू एग्जांपल्स के साथ यहाँ तक क्लियर हो गया. तो अभी आगे बढ़ते हैं, हम यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चरल स्टील क्या है. स्ट्रक्चरल स्टील वो है जो हम कंस्ट्रक्शन में यूज़ करते हैं. तो स्टील के कैटेगरीज में स्ट्रक्चरल स्टील कैसे बनता? इट इज़ अ कैटेगरी ऑफ स्टील यूज्ड फॉर मेकिंग कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स ऑफ मेनी शेप्स. फॉर एग्जाम्पल, ये जितने भी आपको यहाँ पर मटेरियल दिख रहे, ये शेप जो है कंस्ट्रक्शन में हम यूज़ करते हैं. तो अब ये जो शेप्स होते हैं, वो पर्टिकुलर ये शेप्स क्यों हैं, और वो कहाँ बनते हैं, और कौन उसे बनाते हैं, और उसके अलग अलग मतलब रिक्वायरमेंट्स क्या है ये सब बनाने के. और हमारे जितना भी डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर सब्जेक्ट है, वो कम्प्लीटली इन्हीं सारों पर डिपेंड है. यही चीज़ें हम यूज़ करते हैं. तो फॉर एग्ज़ाम्पल, हम यहाँ से शुरू करते हैं आई सेक्शन के साथ. तो आई सेक्शन जो है,
ये टाइप ऑफ सेक्शन है, आप पिक में भी देखिए, एक टाइप ऑफ सेक्शन है जो कि हम लाइक बहुत अच्छी स्ट्रेंथ होती है इसकी कंपेयर टू आरसीसी। तो कई सारे बीम्स की जगह पर भी हम आई सेक्शन यूज़ करते हैं, आई सेक्शन का शेप आई के जैसा होता है। फिर सेकंड वाला जो है चैनल सेक्शन है, चैनल सेक्शन मतलब सी सेक्शन भी हम इसे बोलते हैं, ये सी शेप का होता है। तो आगे चलकर अब आपको स्टील सब्जेक्ट में ये हर सेक्शन के कुछ स्पेशलिटीज पता चलेंगे। और नेक्स्ट होता है टी सेक्शन, ये टी शेप का होता है। और उसके बाद आता है एंगल सेक्शन, ये एंगल सेक्शन जो है एंगल शेप का होता है। आप यहाँ पर एंगल देख सकते हैं, ये वाला एंगल सेक्शन होता है। ये बहुत सारे गेट्स में, फ्रेम्स में, आपको कहीं पर भी नज़र आ जाता है, ट्रसेस में भी यूज़ कर सकते हैं हम, कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं, ये एंगल सेक्शन है। फिर उसके बाद आता हॉलो रेक्टेंगल सेक्शन है, और ट्यूब सेक्शन बोलते हैं इसे। इसमें ट्यूब सेक्शन में दो भी आ जाते हैं, एक तो सर्किल आता है और एक हॉलो सर्किल आता है, और एक नॉर्मल हॉलो रेक्टेंगल आता है। फिर उसके बाद जो सॉलिड बार्स आते हैं, और ये जो बार्स होते हैं कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं, एक बोल्ट जो बनता है थ्रेडिंग जिस पे पड़े बाद जो बोल्ट आता है, वो बोल्ट इससे ही बनता है, स्टील बार से। और अपने जो रेनफोर्समेंट के जो बार्स रहते हैं वो भी इसी से बनते हैं। और उसके बाद जो है स्टील बार्स स्क्वायर शेप के रहते हैं, ये भी आप गेट्स में देख सकते हैं, मेनली जो घर के एंट्रेंस गेट्स रहते हैं उसमें इस्तेमाल करते हैं। फिर ये इंडियन स्टैंडर्ड फ्लैट है, इंडियन स्टैंडर्ड फ्लैट कहाँ पर यूज़ होता, मैकेनिकल वर्कशॉप में वो वहाँ पर यूज़ होता है। इसकी मतलब क्या है, थिकनेस इसकी जो है 5 mm से ग्रेटर रहती या इक्वल टू 5 mm रहती। और ये प्लेट्स होते हैं, जैसा कि हम लोग कंस्ट्रक्शन में या फिर है ना बड़े आयन इंडस्ट्रीज में जाते जब नीचे ये पड़ा हुआ रहता है, और भी कई सारे कंस्ट्रक्शन में यूज़ होता है, आपकी इसकी पिक देखने को मिल जाएगी। और उसके बाद ये होता है इंडियन स्टैंडर्ड, ये शीट्स होते हैं, इसको भी हम ISPL बोलते हैं, और इसका जो डिनोशन रहता है थिकनेस के हिसाब से देते हैं हम लोग। तो ये शीट्स क्या होता है, थिकनेस इसकी 5 से कम होती है। फॉर एग्जांपल हम लोग अलमारियाँ बनाने के लिए यूज़ करते इसे, और बहुत सारी चीज़ों के लिए ये भी यूज़ होता, थिन डोर्स भी बनाते, डोर्स के ऊपर जो शीट चढ़ाते वो यही शीट रहती। फिर उसके बाद जो है स्ट्रिप्स है, ये स्ट्रिप्स जो है लाइक स्केल्स के टाइप आते, ये वाला जो बनता है ना ये स्ट्रिप से ही बनते हैं, ये वाली चीज़ें। और ये हॉलो सेक्शन जो आप देख सकते हैं, ये जो है ना ये हॉलो सेक्शन है, हैमर्स को जो हम नीचे यूज़ करते हैं ये वाला हॉलो सेक्शन है। और यही हॉलो सेक्शन यूज़ करके हम कई सारे शेप्स आगे चलकर बनते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो बनती है इंडियन रोलिंग मिल्स में बनती है, ये कब हुई, जब प्लास्टिक थ्योरी या स्टील थ्योरी, जब RCC के बाद जब ये स्टील के ऊपर रिसर्च शुरू हुए उसके बाद से ये सारी चीज़ें आई। और जो ओल्डन टाइम्स में पोल्स के लिए यूज़ करते थे हम, ये आई सेक्शन यूज़ करते थे पोल्स के लिए। और ये जो रेलवे ट्रैक जो रहते ना वो भी आई सेक्शन के कैटेगरी के ही रहते हैं। तो इतने सारे सेक्शन है जो कि इंडियन रोलिंग मिल से अवेलेबल है हमारे लिए कंस्ट्रक्शन में यूज़ करने के लिए। तो ये हो गया छोटा सा इंट्रोडक्शन ऑफ स्टील, और इसमें जो स्ट्रक्चरल स्टील के मेंबर्स हैं, तो ये बेसिक सा इंट्रोडक्शन है सब्जेक्ट का। आगे चलकर ये सभी चीज़ों को हम इस्तेमाल कर किस तरह हमें इंप्लीमेंट करना है वो देखेंगे नेक्स्ट वाले वीडियोज़ में। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। थैंक यू।